गुड इवनिंग टू ऑल। माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? मेरी आवाज आई सबको? ओके स्क्रीन दिख रही है सबको? सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही? यस और नो? हेलो हेलो, आवाज मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन, आवाज दोनों आ रही है? यस यस, ओके ओके। साउंड ब्रेक हो रहा है क्या? वॉइस इज ब्रेक। यस ओके। हेलो, आवाज आ रही ना? अब सबको आवाज आ रही? स्टार्ट करूं? यस ओके ओके। हेलो, हम पिछली बार क्या पढ़ रहे थे? कमेंट बॉक्स में डालो, क्या पढ़ रहे थे पिछली बार? हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक मिनट एक मिनट। अब देखो, सबको स्क्रीन दिख रही क्या? अब हेलो, दिख रही है क्या? यस ओके, दिख रही है ना? ये देखो, अभी दिख रही है? यस ओके। रसिका, आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा। बात को दिख रही ना सबको? ये देखो ओके। पिछली बार क्या पढ़ रहे थे हम? कमेंट बॉक्स में डालो, क्या पढ़ रहे थे पिछली बार? क्या पढ़ रहे थे? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, राइट? और क्या पढ़ा हमने? HCF, LCM, राइट राइट ओके। तो फिर हमने क्या देखा था? हमारा वो नेटवर्क इशू के वजह से आधे में ही छूट गया था। हम मेथड देख रहे थे, ओके, सिंपल मेथड देखने वाले थे उसकी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 12 और 18 का, ओके। 12 के फैक्टर्स लिखे थे हमने, 1, 2, 3, 4, 6, 12। 18 के फैक्टर्स, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है? माई वॉइस इज ऑडिबल टू एवरी वन? यस ओके। यहाँ पे देखो, अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? HCF, ओके। तो हमने पहले क्या देखा था? इसका कॉमन क्या आएंगे? 1, 2, 3, 6, राइट?
अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सिक्स, देन HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6, ओके ओके। अभी यहाँ पे देखो, हम अगर इसकी जगह पर कोई बड़ा नंबर होगा तो हम क्या फिर से फैक्टर्स लिखेंगे क्या? इतना टाइम नहीं होता है हमें एग्जाम के लिए, अगर आप कोई स्कॉलरशिप के एग्जाम दोगे तो उसके लिए एक सिंपल मेथड है, ओके, शॉर्टकट मेथड, जिससे आपका इजीली एचसीएफ आ जाएगा बड़े नंबर्स के लिए। छोटे नंबर्स के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो, पर बड़े नंबर्स के लिए कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं आपको एक अलग मेथड बताऊंगी, ओके। तो यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करेंगे, भी 12 और 18 यही एग्जाम्पल लेते हैं, चलो आपको इजीली समझ में आएगा। अब देखो, पहले क्या करना है, 12 लेना है। आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? आवाज स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, ओके। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या करना है, आपको प्राइम नंबर पता है ना? प्राइम नंबर खुद से और वन से डिविजिबल होता है, मतलब ये देखो टू, दिस इज अ प्राइम नंबर, थ्री। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? टू। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? टू। तो हमें टू से स्टार्ट करना है कि टू के टेबल में 12 आता है क्या? टू इज डिविजिबल, 12 इज डिविजिबल बाय टू और नॉट, सो स्टार्ट विथ टू। यहाँ पे देखो, टू क्रॉस में यहाँ पे लिखना है सिक्स, टू सिक्स जा 12, टू सिक्स जा 12, टू फिर से टू लेना है, क्यों? क्योंकि सिक्स ये टू से भी हो रहा है, राइट? जब तक टू से डिवाइड होगा तब तक टू से करना है, अगर प्राइम नंबर लेना है क्या, प्राइम नंबर, पर प्राइम नंबर ही लेना है, दूसरा को सिक्स, ये देखो टू सिक्स, ये देखो टू सिक्स 12, टू थ्री जार सिक्स। अब क्या आएगा नीचे? टू आएगा क्या? क्या थ्री टू से होता है? नहीं, तो थ्री वन जा थ्री। समझ में आ रहा है क्या आपको? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रही हूं? ये देखो, मैंने क्या किया, टू सिक्स 12। अब 18 का कैसे करेंगे? स्टार्ट विथ टू, टू नाइन जा, राइट? अब टू के टेबल में नाइन आता है? नहीं आता। थ्री थ्री जा नाइन, टू नाइन जा 18, ये देखो टू नाइन जा 18, थ्री थ्री जा नाइन, एंड देन थ्री वन जा, थ्री वन जा थ्री। समझ में आ रहा है? टू नाइन जा 18, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस और नो? ओके मनीषा, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? यस करें। नहीं। तो यहाँ पे अभी अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसकी, ये देखो 12 यहाँ पे क्या क्या है, फैक्टर्स, ये फैक्टर्स होते हैं, ओके, दीज आर द फैक्टर्स, सी, देन 12 इज इक्वल टू, फैक्टर्स क्या क्या है, टू इंटू टू इंटू थ्री। 18 का कैसे लिखोगे? टू इंटू थ्री इंटू थ्री। अब मुझे अब आगे क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है ना इन दोनों का, तो कैसे करोगे? फिर क्या करना है, कॉमन बताना है। देखो यहाँ टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, पर यहाँ पे दूसरा टू है क्या? देखो यहाँ पे एक टू मिल गया हमें, ओके, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक टू मिल गया। अब ये नेक्स्ट वाला जो टू है, इसका कोई है यहाँ पे? नहीं। उसके नेक्स्ट क्या है, विथ थ्री, यहाँ पे एक थ्री है, यहाँ पे भी एक थ्री है, मतलब हमारे कॉमन क्या निकले, टू इंटू थ्री।
समझ में आया? अभी ये टू और ये थ्री को छोड़ देना है। HCF में क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो पहले फैक्टर्स निकाले हमने दोनों के, फिर इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखना है कि कौन सा कॉमन है। ये देखो यहाँ पे टू कॉमन है, यहाँ पे भी टू है, पर जो दूसरा वाला टू है उसकी पेयर है क्या? उसकी पेयर नहीं है यहाँ पे 18 के इसमें, उसकी पेयर नहीं है। तो हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, तो थ्री थ्री की पेयर है यहाँ पे। ओके, तो जिसकी पेयर है वो यहाँ पेयर है टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, इज इक्वल टू सिक्स। देन एच सी एफ क्या हुआ हमारा? सिक्स सिक्स। ओके, समझ में आया? यस और नो, समझ लगा सरवन्ना? यस और नो, जल्दी लिखो। और एक एग्जाम्पल लूंगी मैं फिर से आपको समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल एच सी एफ का ही होगा। अब आप मुझे बताना, ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं लिखूंगी, आप मुझे बताओ। फोर थोड़ा बड़ा नंबर लूंगी, ओके, थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे हम, 42। आपको समझ में आने के लिए थोड़ा सा बड़ा लेंगे, अभी छोटे नंबर से स्टार्ट किया ना, 42 और 63। अब इसका आपके इसके फैक्टर्स निकालेंगे, वो कितनी लेंदी मेथड हो जाएगी जो मैंने आपको पहले बताई थी, तो ये वाली यूज करेंगे हम जो मैंने आपको सेकेंड टाइम बताई वो। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ, टू के डबल में 42 आता है, मतलब यहाँ पे टू से डिवाइड हो जाएगा, 2 21 जा 42। ओके, बाद में 21 के टेबल में टू आता है, 2 के टेबल में 21 आता है, नेक्स्ट क्या होगा मुझे बताओ? अब मैं यहाँ पे कौन सा प्राइम नंबर कर लू, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा लू मैं? अब मैंने 2 21 जा 42 लिया, फिर अभी 21 आया, 21 के टेबल में 6 कैसे आएगा वेदिका? मैंने प्राइम नंबर बताया प्रमिता, राइट, 3 लेना है हमें प्राइम नंबर, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, 3 7 जा 21। अब मुझे बताओ नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 7 किसके टेबल में आता है? आता है किसी के टेबल में? क्या लेंगे हम? 7 लेंगे। क्या लेंगे? 7 1 जा 7, 4 21 जा 42, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। सिमिलरली अब 63 के लिए हमें वही मेथड यूज करनी है। ओके, अब मुझे बताओ 63 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है 63, 63 आता है। क्या लेंगे हम? क्या लेंगे 63 टू के टेबल में? अप्रमिता, राइट, 3, 3 लेंगे हम। क्या लेंगे? 3 3 21, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, राइट। फिर आगे क्या आएगा? फिर से 3 आएगा, 3 7 जा 21। आगे क्या आएगा? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे देखो 3 21 जा 63, 3 7 जा 20, ये देखो 3 अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे फैक्टर्स, कैसे लिखेंगे फिर? 42 इज इक्वल टू 2 into 3 into 7 into 7। ओके, और सिक्सटी थ्री के 7, राइट। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो एक पेयर मिल गई हमें। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, दूसरी पेयर, और जो रिमेनिंग है उसका कोई यहाँ पे यूज नहीं। ओके, एचसीएफ में जो पेयर है वो ही लेनी, तो यहाँ पे ये पेयर को हम एक कंसिडर करेंगे, 3 7 into 7। ओके, 3 7 जा 21, तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा? एचसीएफ इज 21, 21। सबको समझ में आया? यस और नो?
यस ओके, तो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम एलसीएम के यहाँ पे हम बढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट हम एलसीएम देखेंगे शॉर्टकट मेथड से. फिर से एक बार बताती हूँ आपको मैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा फिर. तो हमने इस मेथड में कैसे यूज किया मैं बताती हूँ. ओके, यहाँ पे देखो 42 लिया हमें, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हम क्या करेंगे, 42 लेंगे. ओके, फिर उसको सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, अगर 2 से नहीं हो रहा है तो फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे. ओके, यहाँ पे देखो 63 में क्या हुआ, 2 से नहीं हो रहा था तो हमने क्या लिया, वहां पे 3 लिया. समझते है का, इथ आप इथ या केस मध्ये काय झालं की तिथे 2 ने डिवाइड नव्हतं होत, मग आपण काय घेतला, 3 घेतला, नेक्स्ट प्राइम नंबर घेतला, हा काय प्राइम नंबर. तो इथे काय करायचं, मग 221 जा 42. ओके, फिर 21 के टेप फिर से 2 आएगा क्या यहाँ पे, नहीं आएगा, तो फिर क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, 37 जा 21. अब यहाँ पे देखो 3 को 7 से होगा क्या, नहीं. फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, 5 से हो रहा है, नहीं. फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7, फिर यहाँ पे 7 आएगा, 7 1 7. ओके, फिर यहाँ पे क्या है, 63, 63 में कैसा होगा, 3 3 21 जा 63. फिर से 21 को कौन से नंबर से होगा, 3 से. क्रॉस में लिखना है, कैसे लिखना है, क्रॉस में 3 7 7. ओके, फिर हमें क्या करना है, इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई मतलब ऐसे लिखते हो, कैसे लिखना पड़ेगा, 2 × 3 × 7. ओके, और ये इसका है 42 के, 63 ले कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 7. फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज कॉमन. ओके, 2 है यहाँ पे, नहीं, 3 की पैर है कॉमन, 7 की पैर है कॉमन, तो हम क्या करेंगे फिर, 3 × 7, 3 × 7, 3 7 जा 21. देन 21 इज द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 63. 21 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, 42 का और 63 का. ओके, सबको समझ में आया, सगळ्यांना समजतंय, सगळ्यांना माझा आवाज येतोय. ओके, आपण आता नेक्स्ट घेऊ एलसीएम. सगळ्यांना समजलंय ना, मी पुढे जाते, आता एलसीएम घेऊ आपण आता. ओके, हम अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. ओके, एल लीस्ट कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज इट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो सेम एग्जांपल लूंगी मैं 12 और 18 का, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा उसमें क्या. अभी देखो हम फर्स्ट क्या यूज करते थे, हम पहले हम क्या करते थे, 12 का टेबल लिखते थे, 18 का टेबल, मल्टीपल है राइट, मल्टीपल मैंने क्या बोला था आपको, मल्टीपल 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 मतलब क्या लिखना है, उसका टेबल लिखना है, क्या लिखना है, टेबल. फिर क्या करना है हमें, इन दोनों का टेबल लिख के उनके कॉमन फैक्टर्स देखने, और सबसे छोटा वाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते थे हम, सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर लेते थे. वैसे एलसीएम में क्या करना है, सबसे छोटा वाला मल्टीपल लेना है. मल्टीपल मतलब क्या, 12 का टेबल और 18 का टेबल, जो ये नंबर्स यहाँ पे आएंगे वो मल्टीपल्स होते हैं 12 के. ओके, समझ में आया, यस और नो, समझ में आया मैंने क्या बोला अभी, यस ओके. तो अब हम नेक्स्ट मेथड, इसका भी कैसे शॉर्टकट, अभी आप इसको मल्टीपल लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, एक मेथड है सेम यही फैक्टराइजेशन मेथड हमने जो एचसीएफ में देखी, पर इसमें थोड़ा चेंज है. ओके, तो फिर से वैसा ही करना है हमें,
जैसे फैक्टर हम एचसीएफ में निकाल, जैसे वो वहां पे लिखते थे वैसे ही यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ओके, तो 2 सिग्जा, सॉरी, एक मिनट, क्या लिखेंगे? 2 सिग्जा 12, राइट? फिर 2 3 जा 6, नेक्स्ट 3 1 जा 3, 18 के बताओ। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, फिर क्या करना है? 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो क्या करना है? हम एचसीएफ में क्या करते थे? कॉमन लेते। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? पहले कॉमन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन, व्हाट इज कॉमन? 3। अभी यहाँ पे 2 और ये मिल जाए, तो एलसीएम में क्या करके हमें क्या करना है? ये जो रिमेनिंग है ना, ये बचे हुए, उसको भी मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3। ये देखो, इसको एक बार लेना है, इसको भी एक ही बार लेना है, जो कॉमन है उसे एक बार लेना है, इसको भी एक बार लेना, और इसको क्या करना है, जो बचे हुए है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा? 36। क्या आएगा? 36। समझ में आया? यस और नो? चैट बॉक्स में डालो जल्दी से। ओके, एक मिनट, फिर से बताती हूँ। ये देखो क्या करना है, सेम एचसीएफ जैसा करना है। यहाँ पे ये जो हम ये निकालते हैं ना, ये दोनों, ये सेम एचसीएफ में जैसे निकालते हैं वैसा ही एलसीएम में निकालना है। पर यहाँ पे क्या फर्क होगा? ये नेक्स्ट स्टेप दिख रही है आपको, ये वाली, ये देखो, फिर से 12th यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके, 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हम एचसीएफ में क्या करते थे? सिर्फ कॉमन लेते थे। ओके, ये एक कॉमन आया, ये वाला एक कॉमन, ये देखो ये वाला एक कॉमन, तो हम क्या लिखते थे एचसीएफ में? 2 इंटू 3। ओके, ये वाला, इन दोनों को एक ही कंसीडर करते थे, इन दोनों को एक। तो इसके आगे एलसीएम में क्या करना है? ये कॉमन ले लेना है एक बार। ये देखो, ये वाला ले लिया हमने, 2 और 3 ले लिया। फिर जो बचे हुए दिख रहे हैं आप मिडल में, देखो 2 इंटू 3, इसको आगे लेना है हमें, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और फिर इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा वो? 36। 36 मतलब एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36। अब समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? अभी तब ने आपको नहीं आया था ना? किसको नहीं आया था? मनीष, मनीषा। ओके, और एक एग्जाम्पल लेंगे हम उसका। ओके, एलसीएम का।
15, 20, इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है हमें? एलसीएम 50। ट्वेंटी, ओके। तो यहाँ पे 15 दिया, 3, 5 15, बाद में 5 1 5, 1 1 आना चाहिए नीचे। ओके, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। फिफ्टीन का क्या आएगा? 3 × 5। 20 का क्या आएगा? 2 × 2 × 5। ये देखो कॉमन क्या है? 5। क्या है? 5। अभी बचे हुए कौन से हैं मुझे बताओ? 3, 2 एंड 2। ये देखो, ये 5, ये दोनों 5 थे, उसको एक लिया हमने। ये देखो ये वाला 5 बचे क्या? 3, 2, 2, 3, 2, 2। आंसर क्या आएगा? 60। समझ में आया? फिर आंसर क्या आएगा? 60 मतलब एलसीएम ऑफ 20 इज 60। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। समझ में आया सबको? एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया? ये वाली मेथड। फिर हम अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? पैरामीटर एंड एरिया। ओके, पेरीमीटर एंड एरिया। एरिया ये क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वेयर्स इज इक्वल। ओके, अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। ओके, आवाज आ रही सबको? यस यस, योगिता 5th का चालू है, 5th स्टैंडर्ड का अभी चालू किया। ओके, यहाँ पे देखो, अभी स्क्वेयर क्या होता है? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वेयर आर इक्वल। अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ओके, तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? इन सब का सम, 2 + 2 + 2 + 2।
ये क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? 8। नहीं तो आप क्या करोगे इसका सिंपल, 4 इंटू साइड्स, फोर इंटू कितना है साइड का लेंथ? 2, मतलब 8। समझ में आया? यस, समझते का सर्वांना? अभी हमने अभी यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, ओके? रेक्टेंगल यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। मुझे बताओ रेक्टेंगल के सब साइड्स कैसे होते? इक्वल होते क्या? नहीं होते है क्या? इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस और नो, सब साइड्स इक्वल होती है क्या रेक्टेंगल की? नो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये वाली और ये वाली क्या होती है? सेम होती है। ये वाली और ये वाली क्या होती है? ये क्या है? लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? 8। ब्रेथ कितनी है इसकी? 2। ओके, अभी हमें क्या ढूंढना है रेक्टेंगल का? पैरामीटर। क्या करना है? पैरीमीटर। तो कैसे करोगे? पैरीमीटर सबका सम, सब साइड्स के सम। यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 8 होगा, तो कैसा होगा सम? 2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8, 2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8, 2 प्लस 4 प्लस 16 कितना हुआ? 20। ओके, पर हम ऐसा, उससे अच्छा हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? वो कैसे लिखेंगे? प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। ये कैसे हुआ? 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम्स ब्रेथ। ये देखो, ये कितने बार है? लेंथ कितनी है? यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। कितनी लेंथ? ये लेंथ है, ये वाली लेंथ, और ये वाली क्या है? ब्रेथ। लेंथ कितनी बार है? ये वाली 2 टाइम्स। ब्रेथ कितने बार है? 2 टाइम्स। और उनका क्या करना है? सम करना है। क्या करना है? सम, मतलब कैसे लिखोगे? 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी? 8, प्लस ब्रेथ कितनी है? ये ब्रैकेट में लिखना है, ओके? ऐसा 2, ओके? 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। समझ में आया? यस और नो, समझ में आया क्या सबको? अब मुझे इसकी पेरीमीटर बताओ, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ। इसका पेरीमीटर बताओ मुझे, ये वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर। लेंथ इज इक्वल टू 3 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2।
टेन, राइट राइट। स्क्वेयर का बताओ, एक मिनट। फाइव, एक साइड उसकी फाइव है। पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर। ट्वेंटी, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ये वाला ट्रायंगल। अब इसका पेरीमीटर बताओ मुझे, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब क्या? ऑल साइड सम, ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये इसका पेरीमीटर बताओ। एटीन, ओके। ये दिख रहा है आपको फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये देखो फॉर्मूला क्या है, ये लिख लेना है आपको। ये देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू टाइम्स लेंथ प्लस टू टाइम्स ब्रेथ, ओके। एग्जाम्पल ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे हम। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बिलो इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर, लेट अस फाइंड पेरीमीटर। तो क्या होगा, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, देन टू टाइम्स लेंथ प्लस टू टाइम्स ब्रेथ। टू इंटू लेंथ कितनी है 7, टू इंटू ब्रेथ कितनी है 3, क्या होगा 14 प्लस 6 20, ओके। अब यहाँ पे देखो नीचे, फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला है। ये देखो ब्लू कलर में जो है ना, वो वाला फॉर्मूला है। 4 इंटू द लेंथ ऑफ वन साइड, अगर आपको एक साइड की लेंथ पता होगी तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हो ये फॉर्मूले से। 4 इंटू द लेंथ ऑफ वन साइड, एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वेयर इज 6 सेंटीमीटर। ये देखो इसकी क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या करना है, पेरीमीटर ढूंढना है। तो कैसे करोगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड मीन्स 4 इंटू 6, 24 सेंटीमीटर, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये वर्ड प्रॉब्लम है। हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू पुट अ ट्रिपल फेंस अराउंड अ स्क्वायर प्लॉट, अराउंड अ स्क्वायर प्लॉट विथ साइड 30 मीटर, विथ साइड 30 मीटर। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, एक स्क्वेयर प्लॉट है। कैसा है, स्क्वेयर। इसको हमें 3 टाइम्स वायर को ऐसे राउंड करना है, ओके। इसके आजू बाजू क्या करना है, ये देखो यहाँ पे एक स्क्वेयर है, ये देखो ये स्क्वेयर दिख रहा है। इसके अराउंड 3 टाइम्स, 1, 2 एंड 3 टाइम्स वायर को सराउंड करना है, ओके। तो उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द टोटल ट्रिपल फेस ऑफ स्क्वायर प्लॉट विथ साइड 30 मीटर, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ वायर एट 70 पर मीटर। उन्होंने क्या बोला है कि 1 मीटर वायर की प्राइस क्या है, 70 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर पर मीटर क्या है, 70। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम पूरे इसके, करेंगे 3 टाइम्स वायर को अगर हमने राउंड किया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे पुट अ सिंगल फेंस अराउंड अ स्क्वायर प्लॉट, वी नीड टू फाइंड इट्स पेरीमीटर। पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसकी लेंथ कितनी बोली उन्होंने, 30 मीटर। ये देखो एक साइड जो है वो कितनी है, 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर। तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 120।
ओके मीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 20 मीटर. ओके ट्रिपल फिंस वो कितना है, कितने बार हुआ है ये कितने बार? अभी देखो ये एक ही बार सराउंड हुआ है तो इसका क्या आया 120. अब ये कितनी बार हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है. कितने टाइम? 3 टाइम्स. तो 3 × 120. ओके ये देखो यहाँ पे (120 × 3) = 360 मीटर ऑफ वायर विल बी नीडेड. कितनी वायर लगेगी हमको, कितनी वायर लगेगी? 3 × 120 = उन्होंने क्या बोला, 360 मीटर. कितना? 360 मीटर वायर. 360 मीटर पर हमें क्या बोला गया था कि 1 मीटर की कीमत कितनी है, 70 रुपीज. 1 मीटर की कीमत कितनी है, 70. तो कैसे लिखेंगे हम 360 मीटर को, कितना लगेगा, कितना लगेगा, क्या करेंगे हम? 360 × 70. देखो मैं फिर से बताती हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अराउंड 3 टाइम्स वायर उन्होंने राउंड मतलब सराउंड किए. ओके उसको बाउंड किया है 3 टाइम्स. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. ओके और उन्होंने क्या बोला है कि 1 मीटर की कीमत कितनी है, 70 रुपीज. 1 मीटर की कीमत कितनी है, 70 रुपीज. तो हमें क्या करना है कि ये वायर कितनी मीटर की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. तो पेरीमीटर क्या आया हमारा, 120. ओके 120 आया. फिर उसको 3 टाइम्स किया क्योंकि कितने बार कर रहा है वो, 3 टाइम्स वाउंड कर रहा है. तो 3 × 120 = 360 मीटर. ओके फिर हमें बोला 1 मीटर की कीमत 70 रुपीज. 1 मीटर की कीमत कितनी है, 70 रुपीज. तो काय करायचं, जे आलेला आहे ना 3 × 120 जे केले ते कसे का आंसर 60. तो 360 मीटर × 70 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी, इधर क्या लिखा है उन्होंने, 25,200. कितना है, 25,200 रुपीज फॉर 3 मीटर, 3 टाइम्स वाउंड वायर. ये वायर कितना है, इस पूरे वायर को एक बार उन्होंने, ये पूरे वायर को कितने रुपीज लगेंगे, 25,200. द टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, देखो इन्होंने क्या बोला है, देखो आंसर देखो. द टोटल कॉस्ट ऑफ वायर फॉर पुटिंग अ ट्रिपल फेंस अराउंड द प्लॉट विल बी 25,200. समझ में आया सगळ्यांना? समजलं का मी काय सांगितलं आता? येस ओके प्रमिता. (23,400) कैसे आएगा? 360 × 70 करो. थ्री सिक्सटी इंटू सेवेंटी थ्री सिक्सटी इंटू सेवेंटी 360 × 70 क्या आता है, 25,200. 25,200 आता है. ओके अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया. हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एरिया. पेरीमीटर सबको समझ में आया, पेरीमीटर ये देखो फिर से मैं एक बार बताऊंगी. स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 × 1 साइड. अगर एक साइड का हमें पता होगा तो लेंथ. ओके 1 साइड लेंथ रेक्टेंगल, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ. पेरीमीटर मतलब क्या कि सब साइड्स की सम.
पेरीमीटर मतलब क्या, सभी साइड्स की सम्स को क्या बोलते हैं, पूर्ण सभी साइड का अगर हमने सम किया तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ओके यस ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एरिया। ओके अब यहाँ पे देखो, हम एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर लिया हमने, क्या लिया, स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर, कितना लिया 2 सेंटीमीटर, पर एरिया के वक्त हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं हम स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर उसके आगे देखो उसका मतलब क्या होता है, ये देखो सपोज यहाँ पे अगर देखो ये 2 सेंटीमीटर का बॉक्स है, ओके यही वाला स्क्वायर निकाल रही हूं मैं, 2 सेंटीमीटर, 1 ये जो बीच में बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले बॉक्स बीच में, ये जो बॉक्स है ना, ये देखो ये वाला, इसकी साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ईच। ओके ये जो ईच बॉक्स दिख रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये जो बॉक्स दिख रहा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मतलब ईच साइड ऑफ दिस बॉक्सेस आर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके पर इसकी साइड की क्या है, 2 है। ओके तो ये इसमें जितने बॉक्स कवर हो गए 1 सेंटीमीटर के, कितने 1 सेंटीमीटर के बॉक्स जितने आएंगे वो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर क्यों बोला गया है, क्योंकि एरिया मतलब क्या कि ये बॉक्स जो है, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर में 4 बॉक्स, 4 स्क्वायर हो गए जो कितने सेंटीमीटर के हो गए, ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या बोलेंगे, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब इसकी ऐसे 4 बॉक्सेस आएंगे बीच में। ये देखो अभी फिर से मैं एक एग्जांपल लूंगी, ये सपोज 4 सेंटीमीटर का बॉक्स है, हेलो 4 सेंटीमीटर, तो एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें ये बॉक्स में कितने बॉक्स, मतलब ये स्क्वायर में कितने ऐसे स्क्वायर हो गए जो 1 1 सेंटीमीटर के हो गए, 1 1 मतलब ईच साइड उसकी 1 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पे क्या हो गए, 16 बॉक्सेस आएंगे, राइट, 1 2 3 एंड 4, ये बॉक्स है, ओके स्क्वायर है ये, समझ लेना मेरी ड्राइंग थोड़ी सी, ये स्क्वायर है, ओके ये कितने स्क्वायर हुए, 16, मतलब ये बॉक्स कितना है, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ईच जो बॉक्स है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, ऐसा 1 सेंटीमीटर का। अभी हम इसका, अब हम क्या, अभी यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे क्या, स्केल लेंगे आप, फिर 1 1 सेंटीमीटर के बॉक्स ड्रॉ करेंगे के बीच में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला है एरिया का, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, क्या है, साइड इनटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ओके साइड स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4 × 4 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एरिया मतलब क्या कि अगर ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ऐसे 1 1 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस हो गए, देखो यहाँ पे 16 बॉक्सेस आएंगे, कितने 1 सेंटीमीटर के ईच, तो हम क्या बोलेंगे कि कितने स्क्वायर है, 16 स्क्वायर, और वो क्या है, उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ये क्या हुआ हमारा एरिया, क्या हुआ एरिया, ये क्या है आप लोग एरिया समझते हैं का, सबको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी,
सबको समझ में आया? यस सबको। ओके अब यहाँ पे देखो फिर से, अब हम रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लेंगे। रेक्टेंगल यहाँ पे देखो, स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड। ओके अगर हम कभी खेत में जाते हैं तो वहां पे हम प्लॉट देखते हैं। ओके तो वो कैसे गिनते हैं कि इतना स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी सेंटीमीटर का एग्जांपल दिया। ओके अगर समझो हमारा स्क्वायर, समझो ये स्क्वायर है। ओके गलती से वो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये स्क्वायर है। ओके तो अगर हमारा स्क्वायर 4 मीटर का होगा, 4 मीटर, 4 मीटर, ओके तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? 16 स्क्वायर मीटर। यूनिट क्या आएगा यहाँ पे? यूनिट मीटर। जैसे बड़ा एरिया होगा, अगर समझो आपके पास आप नोटबुक में लिखते हो, ओके आप ग्राफ पेपर में लिखते हो, वहां पे सेंटीमीटर होता है। अगर आपने थोड़ा बड़ा एरिया लिया, ओके प्लॉट वगैरह लिया, तो आप क्या करोगे? मीटर में काउंट करोगे। ओके अगर आपने और बड़ा, अगर रोड का आपको मेजरमेंट करना है, समझो आप रोड से जाते हो, आप क्या फिर वहां पे क्या लेंगे? किलोमीटर लेंगे। ओके तो वो यूनिट चेंज होता है। देखो यहाँ पे यूनिट चेंज होगा, तो इसमें ये बॉक्सेस कितने के हो गए? 1 मीटर, 1 मीटर। ऐसे कितने बॉक्सेस हो गए? 16 बॉक्सेस हो गए। कितने? 16 स्क्वायर्स हो गए। कितने हो गए? 16 स्क्वायर्स ऑफ 1 मीटर। यहाँ पे 1 मीटर, समझ में आया? यस और नो, समझ में आया? ओके तो यहाँ पे किलोमीटर होगा तो यहाँ पे किलोमीटर लिखना है, मीटर होगा तो मीटर लिखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज रेक्टेंगल लेंगे हम। ओके रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो कैसे लेंगे? अभी देखो ये रेक्टेंगल है, ये क्या है? रेक्टेंगल। समझो इसकी लेंथ है 6 और इसकी ब्रेथ क्या है? 3। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? यूजुअली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स 6 3 18। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। ओके तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि ये जो रेक्टेंगल है इसमें कितने बॉक्सेस है? 18। कितने बॉक्सेस है? 18। पर वो क्या है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ईच बॉक्सेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ओके ये बॉक्सेस कितने हैं? 1 सेंटीमीटर। ऐसे कितने बॉक्सेस हो गए? 18। मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसमें कितने बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के इंक्लूड हो गए? ओके इसमें कितने हो गए? 18 बॉक्सेस आएंगे। कितने? 1 सेंटीमीटर ईच के कितने आएंगे? 18 बॉक्सेस। मतलब क्या लिखेंगे हम? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। वो ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल है तो बीच में रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ नहीं है। रेक्टेंगल है तभी भी इसमें 1 सेंटीमीटर के ही स्क्वायर स्क्वायर लिखना है हमें। ओके अगर यहाँ पे मीटर होता तो क्या लिखते आप? 18 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर क्यों लिखना है? स्क्वायर मतलब क्या कि 18 स्क्वायर इसमें स्टोर होते हैं। ये जो एरिया है इसमें कितने हैं? 18 स्क्वायर है। क्या है? 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर यहाँ पे स्टोर हो गए। ओके मतलब इतने स्क्वायर यहाँ पे फिट हो गए, 18 स्क्वायर मीटर। अगर यहाँ पे किलोमीटर होता तो क्या लिखते हैं आप? 18 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जैसे यूनिट चेंज होगा वैसे हमें यहाँ पे चेंज करना है। समझ में आया? समझ में आया सबको?
ओके तो मुझे फिर से फॉर्मूला बताओ, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला। फॉर्मूला बताओ, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, वेरी गुड। वो क्या है? एरिया, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ओके। अब मुझे बताओ पेरीमीटर, स्क्वायर के पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, स्क्वायर का पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 × 1 साइड। ओके, प्रमिता ही बता रही है, बाकियों को नहीं आ रहा है क्या? ओके, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का बताओ, (2×L+2×Breadth), राइट। बाकियों को नहीं आ रहा है, कैसी प्रमिता ही आंसर दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओके, ऐसा कोई है जिसको कुछ नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया मैंने आज क्या पढ़ाया है, HCF, LCM, पेरीमीटर, एरिया, सबको समझ में आया? स्क्वायर के कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया, वो एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। ओके ओके ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर यहाँ पे ही खत्म होता है, देन लीव द मीटिंग, बाय बाय। बाय बाय टीचर, थैंक यू टीचर, बाय टीचर, थैंक यू, थैंक यू, बाय टीचर, बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय टीचर एंड थैंक यू। हेलो बाय टीचर, बाय बाय टीचर। बाय टीचर।